सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से करनी चाहिए। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास करो। कर्म का फल वक्त देगा, याद रखो। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। बचपन की ये पंक्तियाँ दुर्भाग्यवश मछली से ज्यादा आज बेटियों की दुर्दशा को बयान कर रही है। आज का पंचांग 8 अक्टूबर 2020, दिन गुरुवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम 4:36 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृग शीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 10:50 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:41 से 3:08 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर 9:46 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 8 अक्टूबर 2020, दिन गुरुवार। आज के दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहेगा, या तो आपके पास मेहमान आएंगे या आप किसी यात्रा पर जा सकती हैं। इसी समय आप अपने घर का नवीनीकरण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकती हैं। हालांकि आप पूरा दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप दिन का हर एक पल आनंद लेंगी। आज अधिकतर समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद में व्यतीत हो सकता है और ऐसा करने से आपको हार्दिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी शुभचिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपको यह महसूस हो जाएगा कि मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। दिन की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण कार्य करने को महत्व दें। आपकी मनमानी की वजह से परिवार में चिंता का वातावरण होगा। आत्मविश्वास बनाए रखने की वजह से आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, लेकिन आपके निर्णय का असर क्या हो सकता है इस बात पर भी ध्यान दें। मित्र परिवार में से कोई आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकता है। वर्तमान में रहकर काम पर ध्यान दें। स्टॉक मार्केट में फायदा होगा, पार्टनर दूसरे का साथ देंगे। सावधानियां, कहीं पर भी महत्वपूर्ण बातचीत करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, इससे आपके मान सम्मान व साख की हानि होने की आशंका लग रही है। आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा सकता है या कुछ झूठी अफवाहें भी फैला सकता है, हानि होने की आशंका लग रही है। लव लाइफ की बात करते हैं, आप पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों की उपेक्षा कर रहे हैं और अभी का यह समय अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ जाकर कोई मूवी देखें या सब दोस्तों के साथ कोई नाइट आउट की योजना बनाएं और आप पाएंगे कि वह तनाव अपनी आप गायब हो गया है जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। पहले जो कोई आपका नजदीकी था वह भी आपसे संपर्क कर सकता है। पति पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे। अपने पार्टनर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की बात करते हैं, आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जो से शिकायत है किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। सेहत की बात करते हैं, आप आज चिड़चिड़े और बीमार से महसूस कर रहे हैं। ऐसा आपके पेट की तकलीफों के कारण है, लेकिन आपको या तो समझना ही होगा कि बिना सोचे समझे
कुछ भी कहना ही आपकी सब शारीरिक समस्याओं की जड़ है, जिससे बाद में मानसिक तनाव जन्म लेता है। आपको अपने डाइट पर नियंत्रण करना होगा। आपको शायद ऐसा कर पाना काफी मुश्किल लगेगा। अपने किसी दोस्त को अपने साथ अपनी इस कार्यक्रम में शामिल कर लें। उसकी समय से आपको आसानी होगी। आज का उपाय, आज आप विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।